पिछले 11 दिनों से लापता बच्चा 11 वर्षीय ड्रोन का अब तक कोई सुराग नहीं। कोडरमा के झुमरी तलैया के वार्ड नंबर 11 के निवासी अविनाश कुमार के पुत्र ड्रोन कुमार 11 दिनों से लापता है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। 30 मार्च को ड्रोन अपने स्कूल जाने के लिए सुबह 7:30 बजे घर से निकला था, जिसके बाद आज तक वह नहीं लौटा। हालांकि अंतिम बार वह कोडरमा रेलवे स्टेशन के CCTV कैमरे में 30 मार्च को दिन 12 बजे दिखाई दिया, जिसके बाद अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। बच्चे के लापता होने से घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है और माँ का रो रो कर बुरा हाल है। ड्रोन कुमार की उम्र 11 साल की है और वह 6 क्लास का स्टूडेंट है और उसने स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहन रखी है। ड्रोन की माँ अर्चना का कहना है कि जब उनका बच्चा घर नहीं लौटा तो उन लोगों ने खोजबीन शुरू की और सबसे पहले GRP जाकर सूचना दी, लेकिन GRP और लोकल थाना की शिथिलता के कारण उनका बच्चा अब तक नहीं मिल पाया। अगर पुलिस ने तत्परता दिखाई होती तो उनका बच्चा तुरंत बरामद कर लिया गया होता। वहीं ड्रोन के पिता अविनाश की माने तो ड्रोन कई बार अपने गिरिडीह स्थित नानी घर जाने की बात कहा करता था। ऐसे में उन लोगों ने ड्रोन के लापता होने के बाद सबसे पहले रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक पर खोजबीन शुरू की, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी जब ड्रोन का कोई सुराग नहीं मिल पाया तो उन्होंने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना दी। इस मामले में कोडरमा SP M तमिलवानन का कहना है कि बच्चे की सुराग नहीं मिलने के कारण बरामदगी में परेशानी हो रही है, लेकिन कोडरमा पुलिस गिरिडीह तक जाकर इस मामले की छानबीन कर चुकी है और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी परिवार वालों से संपर्क कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले को लेकर लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। हमको मतलब नानी घर जाना है ऐसा बोला बाप, तो इस वजह से हम लोग प्लेटफॉर्म पे चारों ओर घूम लिए। जब कहीं नहीं पता चला, आसपास के फैमिली में भी यहाँ पता है हमारे, नहीं पता चला तब फिर हम ये GRPF में गए, तो हो सकता है रेलवे मेरी मदद कर सकती है, क्योंकि 11:30 बजे जब छुट्टी हुई तो हो सकता है 12 बजे तक वहाँ पहुँचा या 12:30, उसके बाद की पीरियड में जो भी ट्रेन गई है तो उसमें थोड़ा सा जाँच अगर कर लें, उन लोग के पास सिस्टम है तो मेरा बच्चा उसी समय पकड़ा। फिर वो बोले कि नहीं सो मतलब लोकल थाना में पकड़े, लोकल थाना बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, 24 घंटे के बाद बस FIR की बात करता रहा, कुछ भी नहीं ध्यान दिया, क्योंकि सिस्टम उन लोग के हाथ में, हम लोग कुछ इसमें नहीं कर सकते। उन लोग चाहते तो उस पीरियड में मान लो 2 ट्रेन निकली है, जो भी हम लोग को नॉलेज में हो जाता है, हर जगह खबर करते, रास्ते में पकड़ा जाता है जहाँ भी अगर जा रहा हो, सब के आधार पर भी। सुबह हमारा बच्चा 7:30 बजे स्कूल के लिए गया, जब 11:30 बजे छुट्टी हुई है ना, और जो घर वापस नहीं आया तो उसको पता करने के लिए लगभग 1 घंटे के बाद हम स्कूल गए, पता चला कि वो मैंने स्कूल तो आया था लेकिन वो चला गया। कुछ बच्चों के साथ जहाँ तक वो साफ था वहाँ तक तो बताया कि वो मेरे साफ था। उसके बाद वो ऐसा कुछ कहते हुए कि हमको नानी घर जाना है कहते हुए वो लग रहा है स्टेशन की ओर चला गया, जैसा कि वो बच्चा तो बताया। ढूंढने का कितना कहाँ प्रयास किया, उसके बाद हम सीधे स्टेशन गए और स्टेशन एरिया में जो पुल है देख रहे हैं और बीच से उधर टाप तक पूरे प्लेटफॉर्म में मैंने ट्रैक पर छानबीन की, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया है ना। इसी बीच में हम लोग GRP से संपर्क किए हैं, इसी बीच में RPF से संपर्क किए हैं, लेकिन कहीं सुराग नहीं आ पा रही है। प्लस उसके बाद हम लोगों का 24 घंटे के बाद कहीं भी आपको माइनर मिसिंग होता है तो केस करने का प्रावधान है, तो हम लोग उसमें अब्डक्शन में हम लोग केस कर दिए, अनुसंधान चल रहा है। इसके अलावा हम लोग उनके फोटो प्लस बाकी हुलिया वगैरह हम लोग CAG प्रकाशन में दे चुके हैं और कहीं भी किसी भी सुराग मिलने पर हम लोग परिवार से संपर्क करते हुए हम लोग तुरंत जाके उनको लेके अगर जा रहे हैं नानी घर जा रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों को भी यही मन में है कि नानी घर गया है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने उतरे नहीं, संभवतः ये ट्रेन से उतर नहीं पाए, ट्रेन आगे बढ़ गया। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सब जगह से संपर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी सब जगह से हम लोग मिसिंग हेल्पलाइन भी हम लोग ले रहे हैं, कहीं भी इस तरीके से बच्चे गुड़िया मिलेगा तो। दी वेब्स वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है